हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हमारे पास एक बोर्ड है जो इंटेल का है और ये इसका मॉडल नंबर है, देख सकते हो आप, DA61HO। तो इस बोर्ड में कुछ प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम कुछ ऐसा है, मुझे कहा गया है कि इसका बोर्ड तो ऑन है लेकिन डिस्प्ले नहीं है इसका। तो चलो देखते हैं क्या प्रॉब्लम है, अगर फाइंड आउट हुआ कम टाइम में हुआ तो वीडियो को मैं डालूँगा यूट्यूब में, अगर सक्सेस नहीं हुआ तो वीडियो मैं नहीं डालूँगा। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं। और ये अगर रिपेयर हुआ तो रॉ फुटेज ही मिलेगा आपको। ठीक है, तो देखते हैं। चलो पावर दे दिया है सर्विस का, अब इसको ऑन करते हैं। चलो ऑन किया, इधर रखते हैं। और एक बात मैं बोल दूँ, इंटेल में डिबग कार्ड काम नहीं करता है। यहाँ पर एलपीसी पोर्ट, एक सेकेंड में देख लेता हूँ एलपीसी पोर्ट है कि नहीं। PA USB पावर फैन पैनल कॉम ऑन LTP, इस बोर्ड में तो एलपीसी पोर्ट नहीं है लेकिन ये कॉम ऑन करके एक पोर्ट है, इसमें शायद काम कर सकता है, लेकिन PCI एक्सप्रेस मिनी PCI में ये काम नहीं करेगा। मैं दिखा देता हूँ, ये चलो मैंने पावर दे दिया। अब डिबग कार्ड में देखो लाइट आ गया है, PSON वोल्टेज जो है, स्विचिंग वोल्टेज वो अवेलेबल है, यहाँ पर दिख रहा है आपको। अब मैं ऑन करता हूँ बोर्ड को, ठीक है, फ्रंट पैनल से। चलो ऑन कर दिया। मैंने बोला था डिबग कार्ड में कोई भी कोड नहीं लेगा, इसका 00 कोड है और ऊपर में हाई रिसेट है। ठीक है, एक लाइट ब्लिंक कर रहा है, ये हाई रिसेट है। तो डिस्प्ले तो डेफिनेटली नहीं आएगा, फिर भी मैं एक बार चेक करवा देता हूँ आप लोगों को। मैं रखता हूँ ऐसे, ऐसे मैं रख रहा हूँ। और इसका VGA केबल किधर गया, ये इसका ऐसे कर लेता हूँ मैं। ठीक है, इसका VGA केबल, चलो मॉनिटर को भी ऑन कर देते हैं। चलो देख सकते हो LG का लोगो आ गया, लाइट ब्लिंक हो रहा है। डी सब पावर सेविंग मोड, इसमें कोई भी डिस्प्ले नहीं है। ठीक है, कोई भी डिस्प्ले नहीं है। स्टन को बिठा देता हूँ, फिर से लगा देता हूँ, कोई भी डिस्प्ले नहीं है। और मैं कीबोर्ड भी डाल रहा हूँ, आप देख सकते हो मैं USB कीबोर्ड भी डाल रहा हूँ। इसका कीबोर्ड पे भी कोई डिस्प्ले नहीं है, आप देख सकते हो यहाँ पर कोई भी डिस्प्ले नहीं है। ठीक है, तो चलो एक बार रिसेट कर लेते हैं, इधर रखते हैं। तो मैंने एक बार ये रिसेट कर दिया, चलो रिसेट हो गया। कोड का भी कोई वेरिएशन नहीं है और डिस्प्ले तो है नहीं, अभी भी डिस्प्ले पर देख सकते हो पावर सेविंग मोड में ये जो लाइट है ये ब्लिंक कर रहा है लेकिन कोई डिस्प्ले नहीं है। VGA केबल लगाया है यहाँ पर, देख सकते हो। तो इस कंडीशन में कुछ कुछ वोल्टेज है जो हमें चेक करना पड़ेगा, पहले मैं चेक कर लेता हूँ। तो पहले इसे ऑफ करता हूँ और डिबग कार्ड को खोल देता हूँ। ठीक है, तो अब मीटर को भी देखना पड़ेगा ना आपको, मीटर को मैं ऑन कर लेता हूँ। ये है AC में चला गया, DC में चला गया। चलो देख लेते हैं, थोड़ा सा वोल्टेज देख लेते हैं। ठीक है, ऑन कर दिया, फिर से एक बार स्विचिंग कर रहा हूँ। एक पोक को मैंने यहाँ पर, इस ग्राउंड को मैंने माइनस को ग्राउंड पोक में डाल रहा हूँ। ठीक है, इससे आसान होता है, लगे रहता है। और मैं देख लेता हूँ, आप मल्टीमीटर पे फॉलो कीजिए, आप मल्टीमीटर पे फॉलो कीजिए, यहाँ पर दिख रहा है। हाँ, तो इसका प्राइमरी MOSFET जो है वहाँ पर 12 वोल्ट अवेलेबल है,
इसका जो सेकेंडरी मॉस्फेट है, सेकेंडरी मॉस्फेट पे कोई भी वोल्टेज नहीं है, मतलब तो सेकेंडरी मॉस्फेट में 0.766 करके आ रहा है, कोई भी वोल्टेज नहीं आ रहा है इसमें, इसमें नहीं आ रहा है। चलो कोई बात नहीं, एक सेकेंड, अभी मैं ऑफ कर रहा हूँ वोल्टेज को। तो इसका प्राइमरी मॉस्फेट पे वोल्टेज आ रहा है 12 वोल्ट, लेकिन वो टिगर नहीं हो रहा है। सेकेंडरी मॉस्फेट के गेट पे जो ड्रेन पे जो 1 वोल्ट मिलता है वो नहीं मिल रहा है। तो अगर ऐसी कंडीशन पे आपके पास कोई बोर्ड आए, ये अगर इंटेल के बोर्ड आए तो 61 के ऊपर, क्योंकि हम अभी 61 के ऊपर काम कर रहे हैं इसीलिए बोल रहे हैं, तो एक एक बोर्ड का आर्किटेक्चर अलग अलग होता है तो प्रॉब्लम भी अलग अलग होता है। तो इसका जो सीपीयू है वो बिल्कुल भी हीट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसका ये जो कोर आईसी दिख रहा है आपको, क्लियर नहीं दिख रहा है यहाँ पर, थोड़ा सा इस साइड में मुझे दिख रहा है क्लियरली, इस साइड में थोड़ा सा मॉइस्चर पड़ा हुआ है इस साइड में, ठीक है, थोड़ा सा नहीं बहुत सा है। तो ऐसी टाइप की अगर प्रॉब्लम आए तो ये 2-3 वजह से होता है। पहली बात तो ये है, ये प्रॉब्लम बायस से भी हो सकता है, ये जो बायस है मैं दिखा रहा हूँ, ये प्रॉब्लम आपको बायस से भी हो सकता है, ठीक है, ये वाला बायस। तो दूसरी बात ये है, यहाँ पर दो ड्राइवर आईसी होता है, ये एक और ये एक, इधर दिख रहा है आपको, हाँ, ये जो ड्राइवर आईसी अगर ख़राब हो जाए बोर्ड के अंदर तो मॉस्फेट टिगर नहीं होगा और इसका डिस्प्ले नहीं आएगा, तो प्राइमरी मॉस्फेट के ड्रेन पे 12 वोल्ट बैठा रहेगा और वो टिगर नहीं होगा, और सेकेंडरी मॉस्फेट के ड्रेन के ड्रेन पे वोल्टेज नहीं जाएगा। तो पहला वाला जो प्रॉब्लम है ये 3 चीज़ों के वजह से होता है। पहला तो एक है, मैंने बोल दिया कोर आईसी, पीडब्ल्यूएम आईसी अगर प्रॉब्लम हुआ, ख़राब हुआ तो फिर ये प्रॉब्लम हो सकता है। दूसरा ये ड्राइवर आईसी, मैंने दिखा दिया यहाँ पर एक है और यहाँ पर एक है, ये ड्राइवर आईसी अगर ख़राब होगा तो ये प्रॉब्लम हो सकता है। इसका डेटा शीट निकल के आप वोल्टेज देख सकते हो। और तीसरी बात ये है, बायोस गया, कोर आईसी गया, ड्राइवर आईसी गया, और ये आयो से भी हो सकता है, लेकिन ये जो आयो है ये बिल्कुल क्लीन है, कोई भी मॉइस्चर मुझे नहीं दिख रहा है, लेकिन मेरा जो पीडब्ल्यूएम आईसी है इस बोर्ड में, इसमें थोड़ा सा दिक्कत दिख रहा है मुझे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बायस को रीप्रोग्राम नहीं करेंगे, ठीक है, ये बाद में देखेंगे, क्योंकि इसमें टाइम ज़्यादा लग जाएगा। अगर मैं बायस को प्रोग्राम किया, प्रोग्रामर में डालना पड़ेगा, इसे उठाना पड़ेगा, फिर से बिठाना पड़ेगा, तो 10 मिनट तो चला ही जाएगा, ठीक है, 10 से ज़्यादा लग जाएगा। और यहाँ पर जो PWM IC है, पहले हम इसे थोड़ा सा हीटअप करके देखेंगे, अगर प्रॉब्लम सॉल्व हुआ तो सही है, अगर नहीं हुआ तो दूसरा हम बायस पे जाएंगे, बायस को रीप्रोग्राम करेंगे, अगर सॉल्व हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो ड्राइवर IC को देखेंगे, उसके बाद जाके अगर ड्राइवर IC भी सही रहा तो फिर PWM IC को चेंज करेंगे हम, ठीक है। हालांकि मेरे पास स्टॉक नहीं है, फिर भी ढूंढना पड़ेगा, अगर स्टॉक नहीं हुआ तो ये वीडियो शायद मैं डालूंगा भी नहीं, अगर कोर आईसी से प्रॉब्लम हुआ तो चलो बात बाद में करते हैं, पहले हम इसे थोड़ा सा हीटअप करते हैं और इसे देखते हैं प्रॉब्लम सॉल्व होता है कि नहीं। चलो मैंने SMD का पावर दे देता हूँ, अभी SMD का पावर दे दिया, अब SMD मैंने चला दिया, साथ में रहिए। मैं यहाँ पर रखता हूँ वोट को ताकि आपको दिखे, और मुझे करना है थोड़ा सा इसमें फ्यूज डालना है। तो पहले हम नॉर्मली देखेंगे इसको हीट करके, अगर ये ड्राई सोल्व होने से भी ऐसा प्रॉब्लम होता है, ठीक है, अगर सॉल्व हो गया तो बहुत ही लकी, अगर नहीं हुआ तो नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे एक एक करके, ठीक है। तो पहला वाला स्टेप,
मेरे को जो सही लगा मैं वही कर रहा हूँ, क्योंकि एक्चुअली ये एक्सपीरियंस से होता है। आप भी काम करने लगोगे तो आपको भी एक्सपीरियंस हो जाएगा कि पहला स्टेप कहाँ पे लेना है, कौन सा बोर्ड के ऊपर कौन सा स्टेप काम करेगा। पहला स्टेप वो आप भी समझ जाओगे धीरे धीरे काम करोगे तो। और ये वीडियो एक्सपर्ट के लिए भी है और जो नया सीख रहा है उसके लिए भी है। तो कृपया करके अगर सक्सेसफुल वीडियो रहा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है, क्योंकि आपके ही काम आएगा। तो चलो SMD हमारा रेडी हो गया, तो मैं इधर में ले लेता हूँ थोड़ा सा, ऐसे थोड़ा सा हीटअप करते हैं, ठीक है। आपको दिख रहा है, दिखना भी चाहिए नहीं तो आप नहीं समझोगे। एक्चुअली इंटेल का जो बोर्ड है बायोस का इशू नहीं होता है ज़्यादातर, ये छोटा मोटा कुछ प्रॉब्लम होता है, ये जो चलता है और डिस्प्ले नहीं आता है अगर ऐसा हुआ तो। और अगर रीस्टेट प्रॉब्लम होता है तो उसका सेक्शन कुछ अलग है, उसके ऊपर मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया इंटेल के 61 के ऊपर। सॉल्व किया लेकिन वीडियो नहीं बना पाया, टाइम नहीं मिला। अगर टाइम मिला तो नेक्स्ट टाइम एक वीडियो भी बना दूंगा रीस्टेट के ऊपर, ठीक है। तो चलो, बहुत हीट दे दिया, इससे ज़्यादा हीट नहीं करना चाहिए मुझे भी, क्योंकि ये IC बहुत ही सेंसिटिव होता है, ये खराब हो सकता है। तो थोड़ा सा ठंडा करेंगे हम इसे। ठंडा कर दिया, अब इसे थोड़ा सा क्लीन करेंगे। तो आपके पास अगर थिनर वगैरह है या आइसोप्रोपाइल है तो आप इसे क्लीन कर लें, ठीक है, क्योंकि फ्लूक्स अगर रहेगा यहाँ पर तो आपका बोर्ड में प्रॉब्लम होगा, ये IC आपका शॉर्ट भी हो सकता है, ठीक है, और इसके वजह से दूसरी जगह पे भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि बोर्ड का एक्चुअली मेन प्रॉब्लम क्या है। कई बार ऐसा होता है, आवाज़ होता है ब्लास्ट होने की यहाँ से और प्रॉब्लम जाके मिलता है यहाँ पर, ऐसा ही होता है, क्योंकि हर एक के साथ हर एक कंपोनेंट जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। और जो नॉर्मल है, जो ज़्यादा ताकतवर नहीं है, वो ही पहले ख़राब होता है। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर कुछ जला और ये खराब हुआ, ऐसा नहीं है। यहाँ पर जला तो ये भी खराब हो सकता है या फिर ये भी खराब हो सकता है, ठीक है, ऐसा होता है। तो हमने इसे हीट कर दिया, अब कॉटन से थोड़ा सा क्लियर करेंगे, कर दिया मैंने। अब आप देख सकते हो इसे मैंने पूरा क्लियर कर दिया, पास से मैं दिखा रहा हूँ, इस साइड में कुछ मॉइस्चर था, देख सकते हो अब ये पूरा क्लियर हो गया। अब एक बार हम पावर देके देखेंगे, अगर सॉल्व हुआ तो हुआ, नहीं तो नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, एक बार हम इसे पावर देके देखते हैं। डिबग कार्ड भी लगाते हैं लेकिन कोई फायदा नहीं, क्योंकि इंटेल के बोर्ड में डिबग कार्ड में कब कौन सा लाइट जलता है ये मुझे भी पता नहीं चलता। चलो चलो, PSON वोल्टेज आ गया है, अब इसको स्विचिंग करते हैं। LED का कोई नोटिफिकेशन नहीं है, सेम तरह से ही जल रहा है, लेकिन पहले हम वोल्टेज को थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, उसके बाद आगे की कार्रवाई करेंगे। मैंने एक पॉप को यहाँ पर डाल दिया, आप देख सकते हो ऑलरेडी डाला हुआ है ग्राउंड को। अब मैं चेक कर रहा हूँ, आप मल्टीमीटर पे फॉलो कीजिए। ये है प्राइमरी मॉस्फेट पे 12 वोल्ट आ रहा है, अभी देखते हैं इनको सेकेंडरी मॉस्फेट के। चलो सॉल्व हो गया, चलो सॉल्व हो गया, आप देख सकते हो, मैं दिखा दूँ फिर से, ये देखो आप,
ये सेकेंडरी मॉस्फेट पे 1.19 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। और एक मॉस्फेट पे देख लेते हैं, यहाँ पर 12 वोल्ट आ रहा है और यहाँ पर 1.1 वोल्ट, इसका मतलब इसका डिस्प्ले आ चुका है मेरे ख्याल से। तो बीजीए भी लगा लेते हैं एक बार, बीजीए मैंने लगा लिया, चलो आ गया एक चांस में ही आ गया, कोई बात नहीं, शॉर्ट टाइम में हो गया। मुझे लग रहा था कुछ और भी इशू हो सकता है, तो कीबोर्ड पे भी देख लेते हैं थोड़ा सा। चलो चलो, कीबोर्ड कहाँ गया बेटा, यूएसबी कीबोर्ड लगा दिया, चलो कीबोर्ड पे भी आ गया, कोई बात नहीं। देख सकते हो आप, नमलॉक ऑफ ऑन, ये लाइट जल रहा है, ऑफ ऑन, चलो कीबोर्ड पे आ गया। एक बार रिस्टार्ट करके देखते हैं, ठीक है, कि डिस्प्ले रहता है कि नहीं। चलो मैंने एक बार रिस्टार्ट करते हैं, रिस्टार्ट कर दिया, डिस्प्ले चला गया, कोई बात नहीं, का डिस्प्ले चला गया, फिर से आ गया, ये शेडो आ रहा है कैमरे के वजह से, ये जो फ्लिकरिंग हो रहा है ये कैमरे के वजह से, कोई बात नहीं। चलो ये बोर्ड तो सक्सेसफुल रिपेयर हो गया, अब मैं डाल सकता हूँ इसका वीडियो को, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, आप भी कर सकते हो, अगर पहले आपको देखना पड़ेगा कि